एक छोर से विकेट गंवाती रही, उधर यशस्वी जायसवाल के रनों की सुनामी आती रही। जो रन मशीन विराट कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा नहीं कर पाए, वो काम भारत की युवा चमकता सितारा यशस्वी ने कर दिखाया। क्रिकेट के भगवान सचिन के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, रिंकू सिंह भी देखकर हो गए हैरान, धोनी भी कहने लगे यशस्वी जैसा कोई नहीं। जस्ट टर्निंग विकेट पर अय्यर रोहित गिल बड़े बल्लेबाज होते हुए भी ढेर हो गए, वहां यशस्वी ने मोर्चा संभाला, नहीं होने दिया विराट की कमी का एहसास। विशाखापट्टनम दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया एक छोर से विकेट गंवाती रही, तो दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल ने रनों की सुनामी लाते हुए दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद 189 रन ठोके। यह उनका करियर का दूसरा टेस्ट है और उन्होंने 257 गेंद पर 17 चौके और 5 छक्के उड़ाए हैं। उनकी पारी ही थी जिसके दम पर टीम इंडिया ने स्टंप तक 6 विकेट पर 336 रन बनाते हुए खुद को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनके साथ दूसरे छोर पर रविंद्र चंद अश्विन 5 रन बनाकर मौजूद थे। इस तरह उन्होंने युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कर दिखाया जो महान विराट कोहली और मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा भी नहीं कर सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, यशस्वी जायसवाल ने 22 साल की उम्र में घर यानी भारत और विदेश दोनों जगह टेस्ट खेलते हुए शतक जड़े हैं। वो 23 साल की उम्र से पहले ऐसा करने वाले भारत के सिर्फ चौथे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले महान सचिन तेंदुलकर, पूर्व कोच कमेंटेटर रवि शास्त्री, सचिन के दोस्त विनोद कांबली ही ऐसा करने में कामयाब हुए हैं। रोचक बात यह है कि ये सभी मुंबई रणजी की टीम के हिस्सा थे। यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर का आगाज वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था, उन्होंने डेब्यू मैच में 171 रन की पारी खेली थी, जबकि आज उनके बेस्ट स्कोर को वो पीछे छोड़ चुके हैं। भारतीय टर्निंग विकेट के बड़े बल्लेबाज माने जाने वाले कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हुए, तो इस बार युवा होनहार ने इंग्लिश टीम के धुरंधर गेंदबाजों का सीना तान कर सामने खड़े हो गए। वैसे यशस्वी जायसवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें, बने रहें जेटी न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।